नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को यहां पर अवगत हो ही कि आज 20 जुलाई 2021 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उन पर सुनवाई यहां पर होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिर से एक बार एक और नई तारीख यहां पर दे दी गई है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इस नई तारीख तक की प्रतीक्षा यहां पर करनी होगी। कल 19 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया था और इस सर्कुलर में यहां पर यह जानकारी दी गई थी कि 20 या 22 तारीख में से किसी एक दिन सुप्रीम कोर्ट में कामकाज यहां पर बंद रहेंगे। इससे उम्मीद जताई जा रही थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो केसेस है वो जिन पर आज यहाँ पर सुनवाई होनी है वो यहाँ पर टल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज कामकाज यहां पर चालू है, लेकिन इसके बाद भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो केसेस है उन पर यहां पर अगले एक और तारीख यहां पर दे दी गई है और अब जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के केसेस पर सुनवाई होनी है वो 11 अगस्त 2021 को यहां पर होनी है। यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट है उन पर अब परिणाम आने के लिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 11 अगस्त 2021 तक का यहां पर इंतजार करना होगा। साथ ही ये भी एक अभी एक कंप्यूटर जनरेटेड कॉपी है, यानी कि इस तारीख को भी आगे या पीछे किया जा सकता है। सो आई होप दोस्तों आज के स्टूडियो में दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से आगे कोई नई तारीख नहीं बढ़ाई जाए और 11 अगस्त 2021 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों केसेस पर फाइनल डिसीजन निकल कर आए। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से पीए पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉय खबर।